असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद के अचानक बढ़ने से असम पुलिस के कम 6 जवानों की मौत हो गई है और एक एसपी समेत 80 लोग घायल हैं। दोनों पक्षों ने हिंसा के लिए एक दूसरे की पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है और केंद्र के हस्तक्षेप की मांग की है। इस मामले को लेकर असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के बीच भी सार्वजनिक रूप से कहासुनी हुई है। हिंसा के बाद तनाव के बीच असम और मिजोरम के बीच विवादित सीमा पर सीआरपीएफ की 2 कॉन्वॉय तैनात किए गए हैं। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों से दोनों राज्यों के बीच चल रहे सीमा विवाद पर बात की और उनसे विवाद का शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने को भी कहा। सूत्रों के मुताबिक असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा के साथ टेलीफोन पर अलग अलग बातचीत के दौरान शाह ने उनसे अंतर्राज्यीय सीमा पर शांति बनाए रखने का आदेश दिया। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि सीमा विवाद को आपसी सहमति से हल करें। दोनों मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्री को आश्वासन दिया कि शांति सुनिश्चित करने और सीमा मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सूत्रों की माने तो दोनों राज्यों के पुलिस बलों के विवादित स्थल से लौटने की उम्मीद है। हालांकि संघर्ष के बाद विवादित असम मिजोरम सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। वहीं दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच भी सोमवार को ट्विटर पर वाकी युद्ध छिड़ गया था। अब आपको इस हिंसा की वजह भी बता देते हैं। असल में असम के बराक घाटी के जिले कछार, करीमगंज और हैलाकांडिया और मिजोरम के 3 जिलों आइजोल, कोलासिब और मामीत के साथ 164 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। एक क्षेत्रीय विवाद के बाद अगस्त 2020 और फरवरी में अंतर्राज्यीय सीमा पर झड़पें हुईं। असम के मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर घोषणा की कि कछार जिले में अंतर्राज्यीय सीमा पर मिजोरम की ओर से उपद्रवियों द्वारा की गई गोलीबारी में असम पुलिस के 6 जवान मारे गए। हालांकि मिजोरम के गृह मंत्री लाल चमलियाना ने एक बयान में कहा कि असम के 200 से अधिक पुलिसकर्मियों ने सीआरपीएफ की चौकी पार कर आगजनी हमले और निहत्ते लोगों पर गोलीबारी की, जिसके बाद मिजोरम पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। मिजोरम के गृह मंत्री लाल चमलियाना ने अपने बयान में कहा कि शाह के हस्तक्षेप के बाद असम पुलिस उस जगह से हट गई है और ड्यूटी पोस्ट सीआरपीएफ कर्मियों को वापस सौंप दी गई है। जनतंत्र टीवी के लिए सुधांशु चौरसिया की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।